हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल करियर पॉइंट फॉर यू। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पांच या छह, मतलब छह या सात जॉब रिक्रूटमेंट है जो कि आर्य, एसेंचर, टेक महिंद्रा, आईबीएम और परसिस्टेंट और थिंक टाइप से, ठीक है, थिंक टाइप टेक्नोलॉजी से। और काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर अभी तक आप प्लेस नहीं हुए हो किसी भी कंपनी में तो ये अपॉर्चुनिटी आप मिस नहीं करना, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अगर वीडियो पसंद आती है तभी आप इसे लाइक करना, ठीक है, और बेल आइकन दबाना चैनल का बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको जब भी मैं कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। और यहां पे मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया है कि टॉप एमएनसी है जो मतलब अराउंड दो से ढाई लाख फ्रेशर इन फाइनेंशियल ईयर 2022 में हायर करने वाले हैं, ठीक है, तो ये चांस मिस नहीं करना, इसीलिए ये बल्क हायरिंग आ रही है हर कंपनी से, ठीक है। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विप्रो से आ रही है जो कि सर्विस डेस्क जो होता है, मतलब कस्टमर केयर कॉलिंग वगैरह के लिए होता है, और इसमें सारे मतलब बैच और ब्रांचेस एलिजिबल हैं। और आपको आना क्या क्या चाहिए तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। फंक्शन कॉम्पिटिशन स्किल कॉम्पिटेंसी कॉम्पिटेंट एक्सपर्ट डोमेन नॉलेज, मतलब जिस डोमेन में आपको रखा जाएगा उसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो यही है इस सर्विस डेस्क में आपको क्या ही आना चाहिए। ये देखो एग्जीक्यूट एक्सीलेंस क्लाइंट सेंटरसी चेंज एलआईटी डिटेल ओरिएंटेड एंड और हमेशा सबसे बढ़िया और सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑफ कैंपस हायरिंग में बहुत जरूरी होता है। तो ये बात रही हमारी विप्रो की। विप्रो तो सर्विस डेस्क की है तो इसमें आपको बेसिक इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए बस। तो एनालिस्ट की आपको जब भी एनालिस्ट की जॉब मिलेगी आपको एक्सेल की नॉलेज होनी ही चाहिए, ठीक है। ये बात रही हमारी क्या बोलते हैं विप्रो की। तो अब आते हैं हमारी जो टेक महिंद्रा पे आते हैं। तो टेक महिंद्रा की जो जॉब प्रोफाइल है वो होने वाली है ट्रेजरी ऑपरेशन एनालिस्ट इंटरनेशनल पेमेंट्स एंड स्विफ्ट मैसेजेस एफएक्स ट्रेड सेटलमेंट कैश फोरकास्टिंग, जो अभी भी चली रही है। दो महीने पहले इसकी हायरिंग स्टार्ट हुई है पर अभी भी चली रही है कंटिन्यूसली। तो इसमें भी आपको एंट्री लेवल जॉब है, मैंने पहले बोला एक्सेल की नॉलेज होनी चाहिए, देख लो यहाँ पर मेंशन भी है। जहां भी एनालिस्ट लिखा होता है ना आपको एक्सेल तो आना ही चाहिए, बाकी इसमें कुछ नहीं, एक्सेल और अच्छी कम्युनिकेशन, ठीक है, बाकी कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। देन आपको आता है थिंक अ टाइप परसिस्टेंट। तो ये जो कंपनी है जो iOS डेवलपर, अगर आप और जो आपकी जॉब लोकेशन होने वाली है पुणे नागपुर बेंगलुरु हैदराबाद गोवा, ठीक है, और जो आपका मतलब कि आपको आना क्या चाहिए, यहाँ पर जैसे लिखा पब्लिकेशन ऑफ वन और मोर iOS एप्स इन एप स्टोर एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट iOS फ्रेमवर्क सच एज कोर डेटा कोर एनिमेशन कोर ग्राफिक एंड कोर टेक्स और थर्ड पार्टी लाइब्रेरी एंड API। तो iOS डेवलपमेंट है तो आपको क्या क्या आना चाहिए, स्विफ्ट लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है, और Xcode इनका एक एप्लीकेशन होता है जैसे कि क्या बोलते जावा में होता है एंड्रॉइड स्टूडियो, वैसे iOS में भी होता है, ठीक है। तो ये भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, बाकी आप बाकी चीजें पढ़ लेना। लोकेशन बता दी, जॉब प्रोफाइल बता दी और आपको क्या क्या आना चाहिए वो बता दिया मैंने। देन हम आते हैं एसेंचर में। एसेंचर की है एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, ये काफी दिनों से चल रही है और अभी भी चली ही जा रही है। तो और ये इसमें जो एलिजिबल है 90 से लेकर 22 तक, ठीक है, और जो आपको चीजें आनी चाहिए ये देखो यहाँ पे लिखा .NET SAP ASP .NET ASP .NET MVC। तो ये सारी चीजें आप पढ़ लेना वन बाय वन, वरना मैं एक एक चीजें बताने लगा तो वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि आई थिंक 8 या 9 जॉब रिक्रूटमेंट है और सबकी मैंने बतानी है। देन अब आते हैं अगला है ये सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विस एसोसिएट। जॉब लोकेशन आपकी बेंगलोर हैदराबाद चेन्नई मुंबई पुणे गुड़गांव और कोलकाता की होने वाली है। अलीज और स्ट्रीम जो है कि MCM MSc MA MCom MFA BSc BCA BBA BA BCom BVoc BMS BMS फ्रॉम 90 to 22, ठीक है। ये जो होने वाली है नॉन इंजीनियरिंग की है, जैसे मैंने पहले बताया इंजीनियर और नॉन इंजीनियर जो भी 6-7 जॉब अपॉर्चुनिटी है सब में एलिजिबल। और इसमें देखो यहाँ मेंशन भी किया है बीटेक एमटेक एमसीए एमएससी और एमबीए आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। लोकेशन बता दी, प्रोफाइल बता दी, सैलरी बता दी, सैलरी आपकी 3,33,500 के बीच होने वाली है। तो ये भी है एसोसिएट सर्विस कस्टमर सर्विस, तो इसमें देखो
आपको पहले आई थिंक ग्रेजुएट विद 6 मंथ्स ऑफ कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस होना चाहिए और ग्रेजुएट फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। और सैलरी पैकेज 2 से 2.2 लाख का है और आपका आपको नॉलेज क्या होनी चाहिए बस आपको और ये देखो एक्सलेंट कम्युनिकेशन स्किल इन हिंदी इंग्लिश मराठी लैंग्वेज और यहाँ पे एबिलिटी टू मल्टीटास्क बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर बस। और करियर ग्रोथ और लर्निंग क्या कॉर्पोरेट ट्रेनिंग इंटरनल जॉब पोस्टिंग और 4 इंटरनल मूवमेंट इन अदर डिपार्टमेंट्स और हायरिंग प्रोसेस इनका HR स्क्रीनिंग मतलब कि आपका रिज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग देन आपका पर्सनल इंटरव्यू और रिटन टेस्ट में आपके इंग्लिश देखते हैं तो ये भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अप्लाई कर सकते हो। 1 हफ्ते पहले ही अपलोड की गई है। और तीसरी फिर से जो टेक महिंद्रा की है ये भी है वर्क फ्रॉम होम वॉइस प्रोसेस की और इसमें भी हर एक मतलब एनी ग्रेजुएट एनी वो अप्लाई कर सकते हैं और इसमें आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए जैसे यहाँ पर शुड हैव अ टाइपिंग स्पीड ऑफ 25 वर्ड्स पर मिनट विद एक्यूरेसी ऑफ 90%। ठीक है और 9 से 8 घंटे तक का वर्क और 1 घंटे का वो काफी अच्छी मतलब कि बोलते लाइफ वर्क लाइफ बैलेंस वाली है ये। और कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए इंग्लिश हिंदी विदाउट मेजर MTI फॉर वॉइस प्रोसेस। ठीक है वॉइस प्रोसेस मतलब कि जो कस्टमर केयर सर्विस का होता है ना तो वाली जॉब है और आपका प्रोसेस और इसमें सैलरी आपकी 1.72 LPA से LPA होने वाली है फुल सैलरी ड्यूरिंग द ट्रेनिंग मतलब ये जो आपकी सैलरी है ना आपकी पूरी ही मिलने वाली है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। और जो आपका डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए आपको अगर आप इसमें एलिजिबल होना है पैन कार्ड आधार कार्ड एजुकेशन मार्कशीट और इनका इंटरव्यू प्रोसेस है जो HR देन ओप्स राउंड OPS राउंड और क्लाइंट राउंड। ठीक है तो ये रही कितनी होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये हमारी 8वीं जॉब अपडेट आ रही है जो है इनकी थिंक टेव टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड से आ रही है। ठीक है तो यहाँ पे मैं देख सकते हो यहाँ 4 लाख का सर्विस सैलरी पैकेज है। दिस पोजीशन ओनली फॉर द फ्रेशर कैंडिडेट हु आर अवेलेबल टू ज्वाइन इमीडिएटली इफ यू गेट सिलेक्टेड देन यू हैव टू साइन 2 ईयर्स ऑफ सर्विस बॉन्ड एज अ COVID-19 सिचुएशन कंट्रोल वी हैव टू रीओपन आवर ऑफिस वर्किंग फ्रॉम ऑफिस सो इफ यू गेट सिलेक्टेड यू हैव टू रिपोर्ट टू पुणे ऑफिस। समझ गए इसका भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। और अगली है IBM से IBM की 3री जॉब मैं अपलोड करने वाला हूँ अपलोड करने जा रहा हूँ अपने चैनल पे क्योंकि इससे पहले मैं दिखा देता हूँ काफी जॉब अपलोड IBM से कर रखी है मैंने। अरे ये देखो एक ये रही ऐसे एक ये रही। ठीक है तो जाके देख सकते हो और ये 3री है और इसमें भी क्या क्या चाहिए है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सपोर्ट इंजीनियर। तो मैं पहले बताता हूँ आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और ठीक है तो यहाँ लिखा भी होगा देखो रिक्वायर्ड टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एक्सपर्टीज विद रेवलेंट एक्सपीरियंस 0 to 5 यानी कि फ्रेशर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इन जावा ईई जावा बेस्ड फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी रिएक्ट रिडक्स कार्बन एंड जीएस सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डायग्नोस्टिक स्किल अजाइल मतलब की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का एक टेस्टिंग टूल होता है। ठीक है देन गुड कम्युनिकेशन स्किल ऑफ कैंपस हायरिंग में मैजेटरी क्या बोलते हैं मैंडेटरी होता है। और यहाँ पे मैं दिखाया था बैचलर्स डिग्री रिक्वायर्ड है मतलब कि मिनिमम होनी चाहिए और जॉब लोकेशन आपकी बैंगलोर है कैटेगरी सॉफ्टवेयर डेवलपर की है और आपकी फुल टाइम जॉब होने वाली है एंट्री लेवल यानी कि फ्रेशर एलिजिबल है। तो बस फिर आज की वीडियो में इतने ही वीडियो पसंद आई तो लाइक करना चैनल पर न्यू सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो थोड़ी बड़ी होगी पर मैंने आई थिंक 8वीं जॉब अपडेट यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ और जो भी अभी तक अप्लाई नहीं किया तो अप्लाई करना जरूर। बस फिर मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हैव अ नाइस डे बाय बाय।